हेलो फ्रेंड्स, मैं अरोड़ा, स्वागत करता हूँ हेल्थ गुरु चैनल से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो झालर लाइट होती है उसे मैं आपको डायरेक्ट बैटरी से चला करके दिखाने वाला हूँ, बिना कोई सर्किट से। जैसे कि आप लोग काफी सारे वीडियोस पे देखते हो जो कि आपको बैटरी से चला करके दिखाते हैं, लेकिन वो रियल होता है या नहीं होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको आज मैं लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए तुरंत से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे झालर लाइट है। अभी तो फिलहाल में यहाँ पर मेरे पास 3 ही पीस है, लेकिन अलग से हमारे पास काफ़ी सारे झालर लाइट भी रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है हमेशा दिवाली पर हम काफ़ी सारे लरी लाइट्स, ये जो दिवाली लाइट होती है, आप लरी लाइट भी बोल देते हो, झालर लाइट भी इसे बोलते हो, तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अक्सर जो ये लिथियम बैटरी होती है, आपके माइंड में होती है कि क्या इससे ये डायरेक्ट ग्लो हो सकता है? तो वैसे तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए हमारी जो लिथियम बैटरी होती है, जो कोई भी बैटरी होती है जो डीसी वाली होती है, उससे इसे चलाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारी डीसी रहती है और जो हमारी झालर लाइट होती है वो एसी डीसी दोनों में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसमें इतने सारे LEDs लगे हुए रहते हैं, लाइट्स लगे हुए रहती है, जो फिलामेंट से होती है वो काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज हमें मांगती है, मतलब इसे चलाने के लिए, इसलिए अच्छी तरह से ग्लो नहीं कर पाती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी तरीका है जिसकी हेल्प से हम इसे आसानी से ग्लो कर सकते हैं और आप इसे यूज भी कर सकते हो। तो देखिए, सिंपली जब हम इस तरीके से कनेक्शन करते हैं, जो कि हम लिथियम बैटरी को डायरेक्ट लगाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पूरी तरह से ब्राइटनेस को ऑफ भी कर दें तो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये ग्लो नहीं करेगा। देख सकते हो आप, मेरे हाथों की तरफ देख सकते हो, मैंने पूरा अंधेरा कर दिया था, फिर भी ये कहीं भी ग्लो नहीं करती है। तो हमारा प्रोसेस क्या है जिससे हम इसे ग्लो कर सकते हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, प्रोसेस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो मैं आपको जो इलेक्ट्रिक बोर्ड, हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है, उससे मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि अभी जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमारी कितनी आ रही है। अभी यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पर सेट कर दिया है, जो कि आपको AC वोल्टेज को पता भी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि भाई शायद ये फेक वीडियो बना दिया होगा। तो मैं फेक वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो आपको पता ही होगा कि फेक वीडियो मेरे माइंड में भी कभी आता ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपके भी पैसे लगते हैं, मेरे भी पैसे लगते हैं। अगर मैं फेक वीडियो बनाऊंगा तो आप भी जो प्रोजेक्ट पर काम करते हो वो भी फेक हो जाएगा। तो देख सकते हो AC वोल्टेज में जो आ रही है वोल्टेज 2426 मैक्सिमम, ये 250 वोल्ट से हमारी AC करंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो ये जो झालर लाइट है, मतलब लरी जो लाइट है, इसे हम सिंपली, तो जैसे कि ये मैं आपको सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि ये जो लरी लाइट हमारी है ये DC वाली होगी, क्योंकि देखिए मैंने भी आपको पहले आपको DC से कन्वर्ट करके इसे दिखाया था, जिसमें मैंने आपको डायरेक्ट DC मतलब 12 वोल्ट की बैटरी से आपको चला करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन पर दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेना। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रही है, क्योंकि अभी मैं इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट AC करंट से चला रहा हूँ, और अब मैं आपको इसे चला करके दिखाऊंगा डायरेक्ट बैटरी से, जो कि पॉसिबल नहीं होती है। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए आपको कहीं भी स्किप नहीं करना है, अगर कहीं भी स्किप करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपसे ये नहीं बनेगा। तो इसे चलाने के लिए हमें यहाँ पर DC बूस्टर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए DC बूस्टर में हमारा ये क्या काम होता है, सिंपली हम इसमें 3 वोल्ट डालते हैं और उसके बदले में हमें यहाँ पर 50 वोल्ट तक हमें आउटपुट मिलता है, जो कि DC बूस्टर का यही काम है। लेकिन आप लोग सोचते हो, मतलब एक बैटरी लगाएंगे और हम फिर भी DC बूस्टर से कितनी भी अगर वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो ये फिर भी लरी लाइट को ये जला नहीं सकता है। तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर का भी यूज करूँगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर का यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर हमारी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आ रही है। और यहाँ पर मैं एक नहीं चलाऊँगा, पूरे 3 झालर लाइट मैं आपको लरी लाइट को चला करके दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ के साथ भी मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक तो आप लोग कर दीजिएगा तुरंत से, और एक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है या आपसे काम नहीं कर रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है 100% आपसे ये वर्क करेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा रियल वीडियो ही देने की कोशिश करता हूँ। और देखिए अभी जो यहाँ पर DC बूस्टर का जो कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी इनपुट वोल्टेज की है, मतलब जहाँ पर हम बैटरी की वायरिंग करते हैं। अब हमारी जो वायरिंग है वो है आउटपुट की, जहाँ पर हम इसके आउटपुट वोल्टेज को यूज करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा मोटा वाला वायर लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा कॉपर वायर है। कॉपर वायर को मैंने इस तरीके से लगाया है, आपको भी इसी तरीके से लगाना है, मतलब एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक हमारा राइट साइड में होना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए जब 50 वोल्ट इंक्रीज होगा तो हो सकता है इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए पहले आप लोग ट्राई मत कीजिए, पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको लगता है कि इसे बनाना चाहिए तो आप लोग बिल्कुल भी बिना कोई टेंशन का आप इसे यूज कर सकते हो। अब जो हमारा जो ये लरे वाला लाइट है,
इसका दो टर्मिनल होता है, आपको भी पता है, एक तो पॉजिटिव होता है और दूसरा भी पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि आप इसे किसी तरफ से भी लगा लो ये दोनों तरफ से ही ग्लो करता है। तो क्या करना है, जैसे कि दोनों टर्मिनल का एक एक टर्मिनल मतलब तीन LEDs के एक वायर आपको इस तरीके से लगा देना है। सेम प्रोसेस है हमारा जो दूसरा वाला वायर है उसे भी इसी तरीके से लगा देना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर मैंने इसे भी कंप्लीट कर लिया, मतलब दोनों वायर तो यहाँ पर कंप्लीट पहले से भी था, सिर्फ इसे आपको मतलब कनेक्शन को समझना है और आपको इसे डायरेक्ट बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा आउटपुट पॉइंट था, जो हमारे DC बूस्टर का आउटपुट वोल्टेज है, उस पर हमें इस तरीके से राउंड कर देना है। और आप जब भी इसे DC बूस्टर से वोल्टेज को बढ़ाते हो तो आपको आउटपुट वोल्टेज पर अपने हाथों को नहीं लगाना है, क्योंकि हमें करंट लगने के लिए मैक्सिमम हमें 48 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 48 वोल्ट की जरूरत पड़ती है जिससे हमें करंट लग सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा आप लोग यहाँ पर जो AC टेप आती है, ब्लैक टेप आप जिसे बोलते हो, उसे आप यहाँ पर लगा लेना, उसके बाद आप बूस्टर से आप इसकी जो वोल्टेज है उसे बढ़ाना। देखिए यहाँ पर मैंने झालर का जो वायर है उसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसे पहले सेट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि मैं आपको सामने टेस्ट करके दिखाऊंगा, और इसीलिए मैंने इसे ज़मीन में रख करके टेस्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर अब मैं इसे टेबल में या टेबल जो होते हैं उसके ऊपर मैं अगर लगाता हूँ तो नीचे में हीटर बहुत कोई रख लेते हैं, उसके बाद आपको फेक वीडियो बना के दिखाते हैं। अगर आपके पास जो AC वाली जो बोर्ड होती है उसके नीचे में अगर आप कहीं भी मैग्नेट लगा देते हो और एक हीटर लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिक ग्लो करेगी, जो कि फेक वीडियो बनाने में काम आती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट ज़मीन में ही टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब आप लोग जैसे मैंने आपको जैसे बताया था कि शुरू में लिथियम बैटरी से जला करके दिखाऊंगा, तो ये हमारे पास अभी दो ही लिथियम बैटरी है। अगर तीन लिथियम बैटरी होती तो मैं आपको डायरेक्ट चेक करके दिखा देता, लेकिन अब ये नहीं है तो मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी से आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो 12 वोल्ट में कौन सी बैटरी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ UPS की बैटरी, जो कि 7.4 AH की होती है और 1.4 एम्पियर की ये बैटरी होती है। आपको अगर इसे चार्ज करना है तो इसका भी वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, आप चैनल पर जाओगे तो आपको बैटरी की चार्जिंग वाली वीडियो भी मिल जाएगी। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा और देखते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से ग्लो करती है, मतलब ये जलेगी भी या नहीं। चलिए अब हम इसे तुरंत से टेस्ट भी करते हैं और आपको मैं आपको सामने मतलब दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा लाइट इसमें ग्लो हो रहा है। तो मैं सभी लाइट्स को ऑफ भी करता हूँ और मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड वाला लाइट जो है उसे मैंने ऑफ कर दिया है, अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए व्हाइट कलर की जो LED है वो आपको अच्छी तरह से पता चल रही होगी, मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन जो ब्लू वाली लाइट है वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होगा। देखिए अब आप थोड़ी आपको लाइट में डिफरेंस आई हो, मतलब लाइट जो है वो काफ़ी हाई जल रही है। अब मैं पूरा तरह से मतलब पूरी तरह से अंधेरा कर दे रहा हूँ और मैं आपको फिर से टेस्ट करके दिखाता हूँ। इसकी वोल्टेज की बात करें तो इसमें देखिए तो 50 वोल्ट इसमें जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये 50 वोल्ट में जो है हमारा ये झालर लाइट डायरी लाइट है वो अच्छी तरह से ग्लो करने लगती है। लेकिन जैसे कि इसकी वोल्टेज कम होने की वजह से इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी लो होती है। लेकिन आप चाहो तो मैं इसकी वीडियो जल्दी से बना दूंगा जिस पर आप पूरी मतलब पूरी तरह से हाई लाइट के साथ इसे जला सकते हो। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शायद बेल आइकन को प्रेस करते ही और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। आपके लिए जय हिंद।